पठान की एडवांस बुकिंग ने एकदम गर्दा उड़ा दिया है। कोलकाता वाले तो लगता है पलक पावड़े बिछाए शाहरुख खान की इस फिल्म का ही इंतजार कर रहे थे। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो घंटे भर में आधे से ज्यादा टिकट बिक गए। इससे पहले कि हाउसफुल का बोर्ड लगता, बुकिंग वाली साइट ही क्रैश हो गई। इसे कहते हैं जलवा। वैसे भी बतौर हीरो उनकी पिछली फिल्म 4 साल पहले रिलीज हुई थी। उनके फैन तो बस इसी के इंतजार में थे। PVR आईनॉक्स सिनेपोलिस को मिला दें तो केवल 2 दिनों में ही पठान के 1,70,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। बम्पर बुकिंग बता रही है कि फिल्म की शुरुआत भी रिकॉर्ड तोड़ रहने वाली है। ऐसा स्टार्ट गिनी चुनी फिल्मों को ही मिलता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग से पठान ने KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख की बतौर हीरो पिछली फिल्म 0 बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और तब लोगों ने उनके करियर पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। 0 के साथ रिलीज हुई मूलतः कन्नड़ फिल्म KGF 2 ने हिंदी बेल्ट में भी 0 को पटखनी दे दी थी। वहीं 0 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी 0 ही साबित हुई थी। लेकिन लगता है कि शाहरुख इस बार मौसम बदल देंगे। फिल्म की ओवरसीज एडवांस बुकिंग के हिसाब से जर्मनी में पठान के पहले दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन ने ही KGF 2 को पछाड़ दिया है। अब शाहरुख के फैंस तो दुनिया के कोने कोने में फैले हैं। विदेशों में भी लोग टकटकी लगाए शाहरुख की पठान का इंतजार कर रहे हैं। यकीन मानिए, जैसे ही एडवांस बुकिंग खुली, लोगों ने फटाफट अपनी अपनी सीट बुक करा ली। इसका नतीजा ये रहा कि पठान ने पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग से ही KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया। पहले दिन की एडवांस बुकिंग 1.5 लाख यूरो की रही। हालांकि अभी भी पठान मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन 1 से पीछे है। PS1 का लाइफ टाइम कलेक्शन 1,55,000 यूरो का था। पठान की रिलीज की तैयारी भी बड़े स्केल पे की गई है। पठान का हिंदी वर्जन लगभग 4,500 स्क्रीन्स में रिलीज होगा। अगर तमिल तेलुगु स्क्रीन्स भी जोड़ लिए जाए तो फिल्म लगभग 5,000 स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग सबसे पहले IMAX स्क्रीन पर 18 तारीख को शुरू हुई। बाकी जगह इसे 20 जनवरी से शुरू करने का प्लान था। यकीनन फिल्म को इतना तगड़ा रिस्पांस मिला कि मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग को 20 से खिसकाकर 19 कर लिया। फिल्म को छुट्टियों और फिर वीकेंड का भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में सूत्रों की माने तो फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 40 से 45 करोड़ के आसपास रह सकता है। यानी फिल्म पहले 2 या 3 दिन में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। और अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आ गई तो फिर कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बनने तय हैं। इससे पहले संजू और टाइगर जिंदा है का ओपनिंग डे कलेक्शन 34 करोड़ के आसपास रहा था। दोनों ही नॉन हॉलीडे रिलीज थी। पहले ये जरूर लग रहा था कि पठान को इंडस्ट्री ने पूरी तरह वॉकओवर दे दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पठान की रिलीज के अगले दिन ही राजकुमार संतोषी अपनी फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध रिलीज कर रहे हैं। तो उसके अगले हफ्ते यानी 3 फरवरी को ओडिया फिल्म दमन का हिंदी वर्जन रिलीज होगा। वैसे तो पठान और इन दोनों ही फिल्मों का सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट एकदम अलग है। दोनों ही गंभीर विषय पर बनी फिल्में हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में दर्शकों की पसंद तेजी से बदली है। अब गंभीर सब्जेक्ट्स पर बनी फिल्मों को कला फिल्मों की कैटेगरी में रखकर लोग भूलते नहीं, बल्कि उन्हें देखने थिएटर तक जाते हैं। पठान में जहां शाहरुख जैसा ब्रांड है, वहीं गांधी गोड से और दमन में लगभग अनजान चेहरे। लेकिन आजकल अनजान चेहरे ही कमाल कर रहे हैं। दमन तो सुपर डुपर हिट ओडिया फिल्म है ही, गोडसे का सब्जेक्ट भी खासी उम्मीदें जगाता है। हालांकि शुरुआती बढ़त तो पठान के खाते में ही जानी तय है, लेकिन फिलहाल पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर किसी तरह का असर डालना इन दोनों ही फिल्मों के बूते की बात नहीं लगती। पठान का बजट 250 करोड़ का है। फिल्म को हिट होने के लिए बजट से काफी ज्यादा कमाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आए। फिल्म के प्रमोशन प्लान ने काम किया है, लेकिन ये भी सही है कि प्रमोशन या शाहरुख का स्टारडम फिल्म को एडवांस बुकिंग तो दिला सकता है, लेकिन फिल्म को हिट नहीं करा सकता। इनकी पिछली लगातार फ्लॉप या एवरेज फिल्में इसकी गवाह हैं। वैसे केवल अपने देश की फिल्मों की बात करें तो एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे पहले पायदान पर है KGF 2। इस फिल्म को 43 करोड़ से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग मिली थी। दूसरे पायदान पर है 37 करोड़ के साथ बाहुबली 2 और तीसरे पर है 32 करोड़ के साथ वॉर। लेकिन एडवांस बुकिंग फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का पैमाना नहीं है। शायद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो याद ही होगी, फिल्म को 26 करोड़ की जबरदस्त बुकिंग मिली थी, लेकिन पहला शो देख के निकले दर्शकों ने ही इसे देखकर अपना सिर पीट लिया था।
जबकि फिल्म में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे थे। क्वालिटी के नाम पे कूड़ा परोसने की बॉलीवुड पॉलिसी के चलते ये फिल्म भी धड़ाम हो गई थी। पठान से पूरे फिल्म जगत और फैंस को खासी उम्मीदें हैं। ये वो फिल्म है जिसका इंतजार बीते कुछ महीनों से सबसे ज्यादा किया जा रहा था। पिछला साल बॉलीवुड के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। स्टेज तो सज चुका है, अगर कहानी में दम होगा तो फिल्म कामयाब जरूर होगी। फिलहाल अभी एडवांस बुकिंग के पूरे 4 दिन बाकी हैं। अभी तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड टूटेंगे और कितने बनेंगे। आपकी पठान पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।